हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, दैट इज़ यूनिट 3 का जो लास्ट चैप्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड ब्रॉडकास्ट सिस्टम। तो इसमें हमें कंसेप्ट देखना है GSM, दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। तो क्या है, ठीक है, तो उसके जो डिटेल्स है हम अभी देखेंगे। यस, सो GSM आर्किटेक्चर इज मेनली डिवाइडेड इंटू 3 सब सिस्टम, दैट इज बेस स्टेशन, नेटवर्क सिस्टम सब सिस्टम एंड ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम। तो GSM का अगर ये जो मेन आर्किटेक्चर देखेंगे तो ये उसकी डायग्राम है। सो एग्जाम्पल ऑफ वेरियस मोबाइल इज डेवलप इन द ईयर्स GSM इन मार्केट। मोबाइल वायरलेस डिवाइस डिजिटल सेलुलर नेटवर्क आर ग्रोइंग मोस्ट रैपिडली। दे आर वायरलेस एक्सटेंशन ऑफ PSTN। The analog cellular system can only use the FDMA, that is frequency division multiple access, time division multiple access and code division multiple access. So ये सो जो concept हम last chapter में देख चुके हैं, ठीक है। तो GSM is the second generation cellular system standard. It was developed in order to solve the fragmentation problem of the first generation cellular system. तो जो first G में हमने कुछ drawbacks देखे थे, तो उसको overcome करने के लिए जो है GSM बना, ठीक है। तो GSM के अगर फीचर्स देखेंगे तो इट सपोर्ट सब्सक्राइबर कैपेसिटी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस अलाउ GSM सब्सक्राइबर टू ट्रांसमिट एंड रिसीवर कैरेक्टर टेक्स्ट मैसेज, इट हैज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, देन इट हैज एबिलिटी टू यूज सेम फोन डिफरेंट, इट अलाउज डेटा ट्रांसमिशन, इट सपोर्ट फैक्स, स्मॉलर हैंडसेट, इट सपोर्ट्स फॉरवर्डिंग, इनक्रिप्टेड एंड कन्वर्जन, कॉलिंग नंबर आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, इट सपोर्ट्स फुल्ली इंटरनेशनल रोमिंग। तो ये सारे फीचर्स हैं वो GSM प्रोवाइड करते हैं। ओके, यस। देन नेक्स्ट है मोबाइल सर्विसेज। तो उसमें देखो 3 टाइप के सर्विसेज है, BRF सर्विसेज, टेली सर्विसेज एंड सप्लीमेंट्री सर्विसेज। यस, तो जो BRS सर्विसेस है दैट इज बेसिकली आर डेटा सर्विस एंड करस्पॉन्ड टू कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड पैकेट स्विच ट्रैफिक। देन जो मोबाइल टर्मिनल है, विद इन द मोबाइल स्टेशन जॉब ऑफ द मोबाइल टर्मिनल इज टू परफॉर्म ऑल नेटवर्क स्पेसिफिक टास्क सच एज कोडिंग, TDMA एंड FDMA, फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस एंड टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस। और जो टेली सर्विसेज है, तो टेली सर्विस करस्पॉन्ड स्टैंडर्ड मोबाइल टेलीफोनी टू द ट्रैफिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम आइदर अ टेली सर्विस और अ डेटा सर्विस। यस, तो BRS सर्विसेज के जो फीचर्स है, जैसे फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन देता है। फुल डुप्लेक्स मतलब सेंडर भी सेंड करता है, रिसीवर रिसीव भी करता है। तो सेंडर भी है जो डेटा सेंड कर सकता है, रिसीवर भी जो डेटा है सेंड कर सकता है एट सेम टाइम। ये फुल डुप्लेक्स का मतलब है। ओके, और हाफ डुप्लेक्स में दोनों भी सेंड कर सकते हैं बट नॉट एट सेम टाइम। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा रेट इज 1.2, 2.4, 4.8 एंड 9.6 KBPS। देन टेली सर्विसेज का देखो, बेसिकली द स्टैंडर्ड मोबाइल टेलीफोन एंड मोबाइल ओरिजिनेटेड बेस ओरिजिनेटेड ट्रैफिक कम्स अंडर द टेली सर्विसेज। द टेली सर्विसेज आर एज फॉलो, डिजिटल टेलीफोनी है, इमरजेंसी नंबर है, SMS है, EMS है, MMS है, देन ग्रुप 3 फैक्स। यस, तो डिजिटल टेलीफोन में देखो, द मेन सर्विस GSM इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ डिजिटल वॉइस ट्रांसमिशन। देन इमरजेंसी नंबर वाइज से GSM सर्विस सेम इमरजेंसी नंबर कैन बी यूज टू throughout the country. This is a mandatory but free service with the highest connection priority. Then उसके अंडर जो थर्ड वन है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो विद दिस सर्विस यूजर कैन सेंड मैसेज अप टू 160 कैरेक्टर, जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में SMS वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। देन EMS, एनहांस मैसेज सर्विस, इट इज द सक्सेसर ऑफ SMS विच ऑफर्स अ मैसेज साइज अप टू 760 कैरेक्टर। देन मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, with the service it is possible to transmit a long picture such as GIF image hai ya fir JPEG image hai. Okay, then multimedia message service, to multimedia mein with this service it is possible to transmit larger picture and short video clips. To ye sare jo cheeze hai aate hai
टेलीमेट्री सर्विस, टेली सर्विसेज के अंदर। देन जो है जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर है,